हाल ही में पीसीसी चीफ द्वारा पीडीएफ पर दिए गए बयान से पीडीएफ नाराज नजर आ रहा है। आज पीडीएफ अध्यक्ष मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि पीसीसी चीफ के बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है और जो बयानबाजी की गई है उसका क्या मतलब है, इससे केवल एक ही स्टेटमेंट जाता है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है कि वैसे तकरार नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो बातें इस बीच पीसीसी चीफ के माध्यम से जो आई हैं वो लगातार जो है पीडीएफ पे हैमर किया गया है कि पीडीएफ अपनी स्थिति स्पष्ट करे, पीडीएफ क्या चाहता है, पीडीएफ के ऊपर हमारे एहसान हैं। तो इस प्रकार की बातें जो हैं इससे फिर जो हमारे साथी हैं और हम लोग जो भी हैं, हमने फिर ये तय किया कि भाई ये ज़्यादा बर्दाश्त काबिल नहीं है अब, और इसीलिए हमने जो है अपना बयान दिया। और आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि हाईकमान को भी हमने अवगत कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है, और अंबिका सोनी जी जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे सह प्रभारी हैं संजय कपूर जी, उनको भी मैंने अवगत कराया है कि इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी से अच्छा होने वाला नहीं है, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और चूँकि सरकार में हम भी हैं तो उससे हमारे उस पर भी गलत इम्प्रेशन इसका जाता है। तो इस बात को लेकर के हमने ये कहा है कि जो अनर्गल बयानबाजी है इसका क्या महत्व है, क्या औचित्य है, और मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजी करके सरकार को अस्थिर करने का एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम मुझे महसूस होता है कि इस तरीके से बोल के हमारे जहां हम पीडीएफ के लोग हैं वहां पर सम्मेलन बुला करके और उसमें पीडीएफ के खिलाफ बात करके ये बात कहना कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, तो इससे जो है ये गलत जो स्टेटमेंट है इसको बर्दाश्त करने लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच एक साथी नहीं है लेकिन फिर भी हम वही संकल्प पूरा कर रहे हैं, पीडीएफ हमेशा कांग्रेस के साथ ही और कांग्रेस के साथ ही रहेगी। आज एक साथी हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, लेकिन जब वो थे भी उस समय भी हम लोगों ने सब मिल करके यही संकल्प लिया कि इस प्रदेश में हम अस्थिरता नहीं लाएंगे, और इस प्रदेश में जो इस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं उनको पूरा साथ देंगे, कांग्रेस को हम पूरा साथ देंगे। और ये घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं भी, जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय बीजेपी की तरफ से बहुत सारे हम पे ऑफर आए, बहुत सारी बातें हुई, हमारे साथियों को कहा गया, हमको भी कहा गया, लेकिन हमने कहा हम इस बात को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, हमने जो जबान दी है और राज्य हित पहले है, हमारा अपना हित का कोई मतलब नहीं है। तो इन सारे एपिसोडों को देखने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पीडीएफ क्या है, पीडीएफ का क्या औचित्य है, तो ये बिल्कुल गलत है और इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर के हमने हाईकमान को अपनी बात पहुँचाई है कि इस पे हाईकमान निर्णय करे कि आखिर में कांग्रेस की मंशा क्या है। हमारा जो समझौता है वो सोनिया गांधी जी के कहने पे हुआ, सोनिया जी के आह्वान पर हम लोग दिल्ली गए और ये तय हुआ कि उन्होंने कहा कि आप लोगों को मंत्रालय दिए जाएंगे, हमने कोई डिमांड भी नहीं की थी। और आज इस प्रकार की बात कहना पीसीसी चीफ के माध्यम से कि अगर वो हमारा साथ दिया है तो मंत्रालय भी हमने दिए हैं, तो ये कोई एहसान वाली बात नहीं है, ये हाईकमान ने ही तय किया और हाईकमान के कारण ही ये चीज़ें सब डिसाइड हुई हैं। देवभूमि न्यूज़ देहरादून।